देखिए बहुत बच्चों का क्वेश्चन आता है सर मैथ वीक है, तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आ रही है और उसमें मैथ जो है लगभग 19 क्वेश्चन होते हैं। अब देखा जाए तो ज़्यादा लेवल के नहीं होते मैथ के क्वेश्चन, सिंपल होते हैं लेकिन थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है क्योंकि उसी हिसाब से क्वेश्चन को बनाता है कि आप कैलकुलेशन करिए, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, कहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आते हैं मैथ के, क्योंकि सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं ज़्यादातर। देखा जाए तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो है सिंपल ही होते हैं, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन कठिन भी होते हैं, तो उनको समझना है। 10 क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लेंगे अगर ठीक ठाक पढ़ने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बढ़िया पढ़ने में है तो आराम से 15, 16, 17 कर सकते हैं। कि मैथ में सबसे पहली चीज़ है कि आपका जो है कैलकुलेशन आना चाहिए, आपको गुणा हुआ, भाग हुआ, जोड़ हुआ, घटाना हुआ, वर्गमूल, घनमूल, ये सब याद कर लीजिए। कुछ कुछ जो आपको नहीं आता है, वर्गमूल कम से कम 25 तक, घनमूल 25-30 तक याद कर लीजिए। याद रहेगा तो आपको आसानी होगा सवाल लगाने में, क्योंकि आप मैथ में भी काम करने वाला है, रीजनिंग में भी थोड़ा सा आपको फास्ट बनाने वाला है। तो जिनको मैथ आएगा उनको रीजनिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। तो सबसे पहले मैथ पर फोकस करिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, कोई कठिन क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलता है मैथ में। तो सबसे पहले मैथ की बुक कौन सी लें, तो मैथ की बुक जो है ज़्यादा मोटी लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना पतली हो जाए मैथ की बुक उतना आपके लिए आसान रहेगा। क्योंकि वो क्वेश्चन को जितनी एक क्वेश्चन को कम से कम 3 बार 2 बार 4 बार करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है। ज़्यादा क्वेश्चन करने की भी ज़रूरत नहीं है, जितना करिए उसको जो है कम से कम 2 से 3 बार लगाइए एक क्वेश्चन को। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से लगाना है, क्या पूछ रहा है। एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो है ये मैथ की बुक लेने की बात कहते हैं, मैथ की बुक जो है अंकित भाटी सर की मैथ की बुक है, वो भी अच्छी किताब है, उसको भी आप ले सकते हैं। वो भी पतली है, क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है उसको भी दर्शाया गया है। इसका मैं PDF ही अपने टेलीग्राम चैनल प्रमोद माही पर डाल दिया हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं किताब कैसी है। किताब अच्छी है तो लीजिए, नहीं अच्छी तो ना लीजिए। लेकिन जो है मैथ जो है सिंपल सिंपल, और जो हमेशा क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ है मैथ का, प्रीवियस ईयर्स के मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को कम से कम 3 बार 4 बार 5 बार लगाइए एक क्वेश्चन को। आपको मैथ या आसानी से समझ में आएगा कि हाँ ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है, वैसा ही हमको पढ़ना है, ठीक है। जितना पेपर हुआ है पहले का मैथ का, तो मैथ वहाँ से आपको लगभग जो है सेम पैटर्न पर लगभग 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वही क्वेश्चन आएगा, केवल अंक चेंज हो सकता है हल्का फुल्का, तो उसको भी आप कम से कम 2-4 बार लगा लीजिएगा प्रीवियस ईयर्स का पेपर।